इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 7 और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, चैप्टर का नाम बड़ा लग रहा है पर चैप्टर बड़ा नहीं है, इसको कंप्लीट तो नहीं करेंगे पर इसका एक और टॉपिक, नया टॉपिक क्लाइमेट डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था वेदर के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में, वेदर रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद रेन गॉज के बारे में पढ़ा था जो रेन को मापता है। अब आज के इस वीडियो में क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस पे जाएं, इससे पहले मैं आपसे जो वेदर रिपोर्ट होती है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक दिन ये बहुत बढ़िया धूप निकली है, ठीक है, बहुत बढ़िया धूप निकली है, फील्ड भी अच्छे से लहरा रहे हैं। कुछ किसानों ने सोचा, चलो बढ़िया है, धूप निकली हुई है, दिन अच्छा है, चल के अभी यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर देते हैं। अब वो क्या किस लिए गए, क्रॉप ग्रो करने के लिए गए, क्रॉप ग्रो करने के लिए गए चार, ठीक है। अब ये चारों क्रॉप ग्रो करने के लिए गए हैं, क्रॉप ग्रो करने के लिए गए हैं, तो अचानक से ये जो सूरज है वो बादलों के पीछे क्या हो गया, छिप गया, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे बादलों के पीछे छिप गया, काले बादल छा गए यहाँ पे। और अभी इन लोगों के फसल लगाने के बाद ही ये सब बहुत सारे बीज है, फसल है, बारिश बहुत जोरों से होने लगी। क्या होने लगी, बारिश बहुत जोर से होने लगी लोग फसल लगाने के बाद ही। अब बारिश बहुत जोर से आने लगी, अब तो इन लोगों के लिए खतरा हो गया, क्रॉप्स के लिए खतरा हो गया, जो मिट्टी है वो क्रॉप्स के जो बीज है उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। तब ये लोग क्या करेंगे, इनका तो बर्बादी हो गया भाई, ये अपना बहुत मेहनत से अपनी सीड लाए थे और लगाए था, फिर भी बारिश ने उन सबको तबाह कर दिया। तो फिर ये क्या करेंगे, तो फिर ये सबसे पहले क्या करेंगे, जो वेदर रिपोर्ट होगी न्यूज़पेपर पे या फिर किसी पे वेदर रिपोर्ट जो होगी, वेदर रिपोर्ट, वो सबसे पहले देखेंगे कि कब बारिश होने वाली है, कब धूप निकलने वाली है। तो इनको पहले से पता होगा तो ये बीज तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे तो सॉइल कितनी भी इरोड हो कोई भी बर्बादी नहीं होगी इनकी। इसलिए जो वेदर रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वेदर रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस एक बार और बता देता हूँ। मान लीजिए रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे सच में सूरज अच्छे से निकला हुआ है, बहुत अच्छे से, कितने देर से निकला हुआ है, फिर भी यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये रोड रोलर मान लीजिए, ये रोड रोलर मान लीजिए, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अचानक से फिर से यहाँ भी वही बात हो गई, बारिश आ गई बहुत जोरों से, ठीक है, यहाँ पे भी बारिश बहुत जोरों से आ गई। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन है इन लोगों की, जो भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और गवर्नमेंट, इन सब के रोड को तो तबाही हुई यहाँ पे, ये जितनी भी रोड है उनकी सभी, जितनी भी ये क्या कहते हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्टेड मटेरियल्स है वो पानी अपने साथ लेकर चला गया। अब क्या हुआ, रोड कुछ इस तरह से बन गया, अब रोड कुछ इस तरह से हो रहा था लेकिन कुछ इस तरह से रोड हो गया। अब ये लोग क्या करें, फिर से ये लोग वेदर रिपोर्ट देख के आए होते तो यहाँ पे कुछ मदद हो गई होती, ठीक है। और वेदर रिपोर्ट कभी कभी कुछ मतलब गलत भी बता देती है। मान लीजिए अगर कोई आदमी किसी में वेदर रिपोर्ट लिखा है कितने डिग्री का, 16 डिग्री रेनफॉल का लिखा है, 16 डिग्री सेल्सियस रेनफॉल का लिखा है, और वो हो कितना गया रेनफॉल, मान लीजिए 24 डिग्री का हो गया, तो अब क्या होगा, लोग जिन्होंने सोचा था कि थोड़ी सी बारिश होगी चलो कोई बात नहीं,
अब मतलब और पहले से ये भी तय होता है, टाइम भी तय होता है। जब मान लीजिए वेदर रिपोर्ट में क्या लिखा है, टाइम 7 AM से 9 AM तक बारिश होगी, ठीक है, इतना टू इतना क्या होगी, रेन होगी। अब क्या हो गया, ये लोगों ने सोचा था कि 7 बजे से 9 बजे तक रेन होगी, लेकिन वो जैसे ही 7 बजे से 9 बजे तक बारिश तो हुई और 9 बजे के बाद रुक भी गई थोड़ी देर, फिर भी फिर से बारिश आने लगी। तो अब जो लोग निकले होंगे वेदर रिपोर्ट पढ़ के, उनका तो घाटा हो गया, ठीक है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट ने कहा था तो लोगों ने मान लिया था कि चलो वेदर रिपोर्ट ने कहा है, झूठ तो नहीं होगा, 9 बजे के बाद बारिश ख़त्म हो जाएगी। 9 बजे के बाद बारिश ख़त्म तो हुई, फिर से बारिश आ गई, ठीक है। तो इसी तरह कभी कभी वेदर रिपोर्ट में भी कभी कभी गलती हो जाती है, गलती क्या, मिस्टेक नहीं होती है, मतलब वो सही सही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहिए। क्लाइमेट पे आ जाते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, अब मान लीजिए जो ठंडी का मौसम होता है, तो ठंडी का मौसम होता है उसमें, ठंडी के मौसम में मान लीजिए बारिश तो आ गई, लेकिन ठंडी का मौसम चलेगा, मान लीजिए चलेगा 2 महीने, मान लीजिए 3 महीने, ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। मतलब एक ऐसा वेदर पैटर्न जो कि लिया गया हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, उसे कहते हैं क्या, क्लाइमेट। जैसे कि मान लीजिए 25 ईयर्स तक यहाँ पे भले कितने भी सीजन्स आए, गर्मी हो ठंडी हो मानसून हो कुछ भी, गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो, लेकिन उसमें बारिश होती रहती है, तो हम क्या कहेंगे, वो कौन सा सीजन है, ट्रॉपिकल सीजन है। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल सीजन बोलेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, या फिर मॉनसूनी क्लाइमेट, इन दोनों में से कोई एक कहेंगे। तो अब क्लाइमेट के टाइप्स भी होते हैं, अब क्लाइमेट के टाइप्स कितने होते हैं, यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, कितने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट होते हैं। कौन कौन से, ट्रॉपिकल, अभी मैंने बताया ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ड्राई, कॉन्टिनेंटल और पोलर, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ड्राई, कॉन्टिनेंटल और पोलर। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ बारिश होती है, मैंने अभी बताया, उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है या फिर कोई भी टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या फिर नीचे नहीं आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहेंगे। उसके बाद टेम्परेट क्लाइमेट कौन सा होता है, जहाँ पे सभी क्लाइमेट्स आते हैं, टेम्परेट में सभी क्लाइमेट्स आते हैं, बारिश, धूप, गर्मी, ये सब एक साथ आते हैं, एक साथ, एक महीने ये, एक महीने ये, ऐसे करते करते सभी क्लाइमेट्स आते हैं। तो और यहाँ पे टेम्परेट जोन भी लिखा है, टेम्परेट जोन क्या होता है, नॉर्मल और एवरी क्लाइमेट, मतलब टेम्परेट जोन में नॉर्मल क्लाइमेट होता है और सभी क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे टेम्परेट जोन कहा गया है। टेम्परेट जोन में कुछ कंट्रीज आती हैं, जैसे कि इंडिया हुआ, चाइना, पाकिस्तान, ये सब में इन सबको टेम्परेट जोन्स कहते हैं, पर इंडिया में भी कुछ स्टेट्स टेम्परेट जोन्स में नहीं होते, जैसे कि राजस्थान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है थ्रू आउट द ईयर, ये गर्मी
ये गर्मी इसके वजह से नहीं होती है, या क्या कहते हैं क्लाइमेट या फिर वेदर, इन सब की वजह से नहीं होती है, या ये होती है अरावली रेंज की वजह से जो कि इसको घेर के रखती है, या ये बादलों को नहीं जाने देती है, भले हवा चली जाए लेकिन बादल नहीं जाएगा, फिर ये इधर से मुड़ के बादल हवा की वजह से चला जाता है दूसरे जगह पर, और राजस्थान में नहीं जा पाता है। कुछ कुछ बादल जा सकते हैं उसमें, तो चले जाएंगे ऊपर से चले जाएंगे, या फिर ऐसे अंदर बीच में से चले जाएंगे, तो लेकिन ज़्यादा बादल उसमें नहीं जा पाते, इसलिए बहुत लिटिल रेनफॉल होती है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्राई क्लाइमेट क्या होता है, अब कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सूखा है, जैसे कि राजस्थान मैंने अभी बताया, तो उसे क्या कहेंगे, ड्राई क्लाइमेट कहेंगे या फिर कहेंगे उसको हॉट क्लाइमेट। राजस्थान का एग्जांपल मैंने दिया था, कौन, राजस्थान, ठीक है। और उसको ड्राई क्लाइमेट क्यों बोलते हैं, वहाँ पे बहुत लिटिल रेनफॉल होती है या फिर रेनफॉल नहीं होती है। उसके बाद क्या है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, सी, जैसे मान लीजिए ये समुंदर हुआ, समुंदर के बाद जो भी लैंड होगा वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा ही होगा, वहाँ पे तेज विंड्स, कभी कभी सुनामीज, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट के लास्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद है पोलर क्लाइमेट, पोलर रीजन आपने पढ़ा होगा पहले, पोलर रीजन का मतलब जो रीजन्स पोल्स के पास में हो जिनमें ज़्यादा ठंडी हो, तो इसीलिए जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, पोलर क्लाइमेट। कौन कौन से देशों में होती है, रसिया, अपर यूरोप, यूरेशिया, और बहुत जो पोल्स के पास होते हैं ऊपर या फिर नीचे, एंटार्क्टिका में भी पोलर क्लाइमेट होता है। तो आज का ये सेशन हमारा अभी ख़त्म होता है, तो अभी क्लाइमेट हमने डिस्कस किया, इसके टाइप्स डिस्कस किए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और एनिमल्स की एडेप्टेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।